मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वाली गाना वो न प्यार आपका मदनी चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुर्सलीन अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि ये यौम मशहूद यानी मेरी बारगाह में फरिश्तों की खुसूसी हाजिरी का दिन है। इस दिन फरिश्ते खुसूसी तौर पर कसरत से मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है तो उसके फारिग होने तक उसका दुरूद मेरे सामने पेश कर दिया जाता है। हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने अर्ज की, ए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, और आपके विसाल के बाद क्या होगा? इरशाद फरमाया, हाँ, मेरी जाहिरी वफात के बाद भी मेरे सामने इसी तरह पेश किया जाएगा। फिर फरमाया कि अल्लाह पाक ने जमीन के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों का खाना हराम कर दिया, बस अल्लाह पाक का नबी जिंदा होता है और उसे रिस्क भी अता किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है आपका मदनी चैनल। रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सिलसिला हम करते हैं, और आप इस वक्त जब ये सिलसिला जो है वो देख रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। 23 मार्च है और 2 बज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये सिलसिला लेकर हाजिर हैं। इसके इब्तिदा में इसकी 2 बड़े मकासद बयान किए जाते हैं। एक ये है कि मदनी चैनल की ट्रांसमिशन के हवाले से आपको कोई मशवरा देना हो तो आप हमें दे सकते हैं। इसी तरीके से मदनी चैनल पर जो है वो आपने अगर कोई क्लिप, कोई गुफ्तगू, कोई कलाम सुना हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मदनी चैनल का जो ऑफिशियल SMS नंबर है उस पर, फिर इसी तरीके से मदनी चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है आप स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर ये सिलसिला रिकॉर्डेड है, ये फ्रेश रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं, लेकिन ये सिलसिले को हम उसी तरह जिस तरह एज लाइव चलता है, तो आप इस दौरान भी अपने मैसेजेस जो है वो जिस तरह करते हैं सिलसिले के, आप SMS पर जो है वो कर दें। इंशाल्लाह ये जो आप जितने भी SMS करेंगे तो कॉल सेंटर वाले इंशाल्लाह आपके ये मैसेजेस भी हमें फॉरवर्ड कर देंगे, और फिर साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप पर आपने कोई ऐसे मैसेजेस किए होंगे जो सिलसिले के हवाले से होंगे तो वो भी इंशाल्लाह हम तक पहुंच जाएंगे। और चूंकि रमज़ानुल मुबारक में हमारे सिलसिले का वक्त कम होता है तो इसलिए हम झलकियों को शामिल नहीं करते, तो हम यूं समझे कि डायरेक्टली बच्चों के हवाले से हम कुछ ना कुछ आपको दिखाते हैं। और आज हमने पोयम जो है वो एक शामिल की है, और उसमें क्या सबक मिल रहा है बच्चों को, आइए देखते हैं। बुरी आदत आदत बुरी आदत बुरी आदत आदत बुरी आदत। एक जंगल में घास बहुत ही ज्यादा थी, हरी भरी थी, घनी थी, बिल्कुल ताजा थी। एक हिरनी भी रहती थी उस जंगल में, घास भी चरती रहती थी घास एक पल में, खाते खाते घास को नोचा करती थी, खाती कमती जाया ज्यादा करती थी। बुरी आदत बुरी आदत बुरी आदत आदत बुरी आदत। एक दिन घास ने यूं समझाया हिरनी को, मुझको यूं बर्बाद ऐसे क्यों करती हो, खाना अगर तो खाओ लेकिन बात सुनो, मुझको ऐसे खेल बनाना जो। हिरनी बोली, बात नहीं ये सुनूंगी मैं, जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगी मैं। हिरनी बाज न आई अपनी हरकत से, नोची उसने घास और शिद्दत से। बुरी आदत आदत बुरी आदत। एक दिन उस जंगल में शेर चला आया, भूखा था वो, गुस्से से वो उर्राया। शेर को देखा दूर से जू ही हिरनी ने, बोली शेर से काश में बच पाती, बड़ी घास के अंदर जाके छुप जाती, घास
इस कोने में आ जाओ, यहाँ घनी है घास यहाँ पे झुक जाओ। शुक्रिया। यहाँ से भी बर्बाद मुझे घर कर जाती, कैसे भला फिर आज यहाँ पे छुप पाती। हरनी छुप कर घास में शेर को नहीं मिली, शेर वहाँ से चला गया तो उफ जान बची। हरनी हो के शर्मिंदा चुपचाप रही, दोबारा फिर उसने घास नहीं नोची। बुरी आदत। जी बद्री चैनल के नाज़रीन, आपने ये पोयम जो है वो सुनी। सैयद साहब, एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो हम ये इस वक्त कर रहे हैं और मद्री चैनल रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो देख रहे हैं, इसका एक फ़ायदा तो आपको फिलहाल हासिल जो है वो ये है कि लाइव में चूँकि लोग जो है वो कॉल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपसे फरमाइशें करते हैं और आपसे अशआर वगैरह जो है वो पूछते हैं, लेकिन अब चूँकि पिछला खाता आपके बकौल वो क्लियर है और ये रिकॉर्ड हम जब कर रहे हैं तो इस वक्त ऐसा कोई जरिया नहीं है, तो जो फेसबुक के नाज़रीन को तो हम ये कहेंगे कि भाई आप मैसेजेस वगैरह कमेंट वगैरह करें हमें। अच्छा, सिर्फ कमेंट नहीं करें बल्कि अपनी उन उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल करें और शेयर का बटन भी दबाए, इसको लाइक भी करें, दूसरों तक इसकी दावत भी दें। मदनी चैनल पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक का मुबारक महीना है, तो इसमें मदनी मुजाकरे रोजाना दो दो मदनी मुजाकरे हो रहे हैं, तो मदनी मुजाकरों के जरिए तो इनमें दीन का दरिया बल्कि समंदर बह रहा है माशाल्लाह, तो आप इसको भी शेयर करें ताकि आपके शेयर करने से अगर कोई किसी को अच्छी बात सीखने के लिए मिल गई या कोई समझने की बात मिल गई, किसी ने नेकी की दावत पर अमल करना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह आपके लिए भी ढेरों ढेर नेकियों का। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त फेसबुक पर भी चूंकि ये जो प्रोग्राम जो देख रहे हैं तो वहां पर भी अपने कमेंट्स आप जो है वो करें, जो फरमाइशें वगैरह करते हैं, तो इंशाल्लाह ये शायद सही सब पहली दफा होगा आप और आपके लिए भी मेरे लिए भी, कि हम वैसे तो शायद रिपीट में आपने भी शायद देखा होगा प्रोग्राम, हमने जैसे जब ये सुबह में कभी रिपीट होता था, लेकिन फ्रेश मैं और आप हो सकता है कि घर पर बैठे हुए जो है वो ये प्रोग्राम हम लोग जो है मतलब पिछले जो प्रोग्राम थे हमारे जो लाइव हुए तो उसमें मतलब लोगों के कमेंट लाइव लेते थे। जी जी। अब हम प्रोग्राम भी अपना देखेंगे। और कमेंट भी देखेंगे। लोगों के कमेंट्स इंशाल्लाह सही सब उस वक्त वो अपने तौर पर पढ़ेंगे जो इस तरह के होंगे, उसका स्क्रीन शॉट लेकर हमें सेंड कर देंगे जो फरमाइशें वगैरह होंगी। चले जी, सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं। आपको मुख्तलिफ कलाम जो है वो अपना हमने सुनाने हैं जिनकी फरमाइशें की गई थी। एक तो हमें एक मैसेज बार बार आ रहा है और कहा था कि हमने तीन हफ्तों से या इससे ज्यादा से एक फरमाइश की भी है, ये उमर भाई ने कलाम जो है वो पढ़ा था, जबी मेरी हो संग दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तो ये कलाम की फरमाइश आई है और ये कहा उनका उनकी तरफ से कहा गया कि ये पहले उसमें शामिल था झलकियों वगैरह के अंदर भी, और हमारी फरमाइश तीन हफ्तों से पूरी नहीं की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको शामिल किया है, तो इसको यूं समझो कि बच्चों के इस पोयम के बाद सबसे पहले ही जो है वो शामिल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जबी मेरी हो संग तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संग एक
से तुम्हारा छोचे हाथ से छोचे हाथ से तुम्हारा अल्लाह अकबर। कलाम तो बहरहाल हमने शामिल कर दिया। सैयद साहब, इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये 10 रमजानुल मुबारक जो अभी गुजरा है, तो इसमें 16 साल जो है वो मदनी चैनल को जो है मुकम्मल हुए हैं, तो इस रमज़ान को नहीं, इससे गुज़िश्ता रमज़ान को जो रात ट्रांसमिशन निगरान शूरा ने जो है वो की थी, उसमें अब्दुल हबीब भाई भी मदऊ थे और उन्होंने एक वाकया जो है वो बयान किया कि मदीने शरीफ में एक शख्स उनको जो है वो मिला और इन्होंने बताया कि उसका हुलिया मतलब पेंच इस तरह की उसने पहना हुआ था, लेकिन उसके घर में मदनी चैनल जो है वो चल रहा था, उसकी कुछ यानी बताई थी उन्होंने वजह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये गुज़िश्ता साल कहा गया था और ये क्लिप यूं समझो कि हमारे पुराने क्लिपों में जो है वो रखा हुआ था तैयार हमारे पास, तो आज इंशाल्लाह इसको सिलसिले का हिस्सा जो है वो बनाएंगे और फिर आपकी तरफ से ये दावत भी जो है वो अपना मिल जाए कि अमीर सुन्नत ने, आपको याद होगा अभी मदनी मुज़ाकरे में गालिबन 16 लोगों को इस तरह का कहा है कि आपने मदनी चैनल उनके घरों में ऑन जो है वो करवाना है। तो बहरहाल फिलहाल अभी जो है वो ये क्लिप जो है वो देखते हैं फिर आते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम बैठकर क्या बात कर रहे हैं और वो बात कहाँ असर कर रही है। सही, एक बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देकर मैं जब बाहर निकला तो मुझे एक बहुत मॉडर्न नौजवान यानी मदीने शरीफ में उसने ऐसा लिबास पहना था जो नॉर्मली उस जगह पर लोग नहीं पहनते, वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया, अब्दुल हबीब भाई मैं रुक गया, मैंने कहा ये इस हुलिये में, तो कह रहे हैं मैं आपका मदीने चैनल बहुत शौक से देखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप भी देखते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी का वाकया आपको बताऊं, मैंने कहा बताएं। कह रहे एक बार हम मदीने चैनल, मैं मदीने चैनल नहीं जानता था, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था चैनल देख रहा था, अचानक मदीने चैनल आया, वहां निगरानी शूरा का बयान चल रहा था, बोले उनका नाम भी अजीब रंग का नाम भी मुझे नहीं पता था, बोले उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। अब देखिए आई साहब का एक अंदाज है ना कि डायरेक्टली जो आवाम से मुखातिब होते हैं, बंदे को लग रहा होता है मुझसे ही बात कर रहे हैं, कभी कभी तो कहते हैं सहरी कर रहे हो तो बंदा बोलता है सहरी तो करिए, मुझसे ही बात कर रहे लगता है, तो ये बड़ा रिलेट करता है। तो निगरानी शूरा ने उस वक्त कहा कि अभी आपके हाथ में रिमोट होगा और आप अभी बात सुनते सुनते आगे पीछे कहीं चले जाएंगे और गुनाहों भरे चलने पर चले जाएंगे, मेरा मशवरा रिमोट रख दें। कहते मेरे हाथ में रिमोट था, मैंने कहा तो मुझसे ही बात कर रहे हैं, कहते मैंने रिमोट रख दिया और उनका बयान सुनना शुरू कर दिया। कह रहे वो दिन है आज का दिन है रिमोट रखा हुआ ही है, यानी अब कोई और चैनल नहीं चलता हमारे घर में और हम पूरे घर में नमाजी हो गए और हम मदीने शरीफ हाजिरी के लिए आए हैं। तो ये माशाल्लाह पाक निगरानी शूरा की सुखन में और बरकत है, लेकिन दिस इज द इम्पैक्ट कि ये लोगों पर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है और लोग कैसे बदल रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, इम्पैक्ट जो है वो अपना मदनी चैनल का। अच्छा अमीर अलसुन्नत माशाल्लाह अभी पिछले दिनों तरगीब दिलाई है असर के मदनी मुजाकरे में, 16 मतलब इस्लामी भाई को आम इस्लामी भाई को हदफ दिया है कि पूरे साल के अंदर कम से कम 16 वो घर जहां पर मदनी चैनल नहीं चलता हम मदनी चैनल ऑन करवाएं और दुआ इत्तार से हिस्सा हासिल करें। क्या बात। अच्छा क्योंकि वो अभी मदनी चैनल की सालगिरह गुजरी है तो अकबर हुसैन भाई मतलब वो निगरानी शुरा भी बहुत खुश थे और पुराने वाकयात वगैरह बता रहे थे, तो निगरानी शुरा ने कहा कि जब मदनी चैनल पहली दफा ऑन हुआ और हमने मतलब फिर फौरन हमारा 3 दिन का इज्तम आया, वो झलकियां जो देखी ना यकीन माने कि उसके अंदर हाजी शाहिद ने दुआएं करवाई, अमीर निगरानी शूरा के बयान, अमीर असद के बयान, तो ये मैं अपनी तरफ से एक फरमाइश करूंगा कि वो क्लिप जो है ना वो हमारे सिलसिले में शामिल किया जाए। तो चलें जो है वो सैयद साहब के का मतलब दिनों के बाद फरमाइश आई है या पहली दफा जो है वो आई है, तो आइए सैयद साहब की फरमाइश पर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में होने वाले दावत इस्लामी के 3 रोज़ा बैनल अक्वामी सुन्नत भरे रूह परवर इज्तिमा की तो क्या बात है, आइए इस इज्तिमाए पाक की झलकियां देखते हैं। इस सुन्नत भरे इज्तिमा की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है और इस सिलसिले में कमोबेश 150 मजालिस का क़याम अमल में लाया गया। इस सुन्नत भरे बैनल अक्वामी इज्तिमा की
تینوں دن کی نشریات کو دنیا کے طول و عرض میں لائیو یعنی براہ راست پہنچانے کے لیے مدنی چینل کی ایک بڑی مجلس نے حصہ لیا۔ اس اجتماع پاک کی پہلی نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ہوا، اور پھر تلاوت اور نعتوں کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ مختلف نشستوں میں مبلغین کے سنتوں بھرے بیانات اور سیکھنے سکھانے کے حلقوں کا سلسلہ بھی جدول کے مطابق جاری رہا۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ مختلف نشستوں میں مبلغین نے مختلف موضوعات پر بیانات فرمائے۔ مبلغین کے بیانات سننے والوں کا انداز بھی بڑا دیدنی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس اجتماع پاک کی کچھ نشستوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران عطاری سلمہ الباری اور دعوت اسلامی کی پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران جناب شاہد عطاری صاحب کے بھی بیانات ہوتے ہیں، اور اس بار تو امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے اس اجتماع پاک میں تین بیان فرمائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہے، ہزاروں سال ایک نماز قضا ہونے پر وہ جہنم میں رہنے کا حقدار ہے۔ اور خدا کی قسم جہنم میں ہزاروں سال رہنا تو کجا، ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی نہیں رہ سکتا، عذاب برداشت نہیں ہو سکتا۔ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا گیا تو دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب اس کی تپش اور بدبو سے ہلاک ہو جائے۔ یہ مضامین احادیث میں ہیں۔ ایک منظر تو ایسا پیارا تھا جب ہفتے کی صبح تہجد کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل ہی پر اجتماع پاک میں موجود لاکھوں اسلامی بھائیوں کو تہجد کے لیے جگانا شروع کر دیا، اور اس صدائے دل ربا سے شرکائے اجتماع مسحور ہو گئے اور نماز تہجد کے لیے اٹھتے چلے گئے۔ سحر ہے جاگ غافل دیکھ تو عالم منور ہے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی، لاکھوں لوگ جس کے منتظر تھے، اور وہ پرکیف گھڑی تصور مدینہ کی ہوا کرتی ہے کہ جب لوگ مدینہ طیبہ کے حسین تصور میں گم ہو کر تصور ہی تصور میں مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں۔ سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ماشاءاللہ، آپ دیکھیں اکبر حسین بھائی کہ ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے اس کے اندر نگران شورا حاجی شاہد، اور مطلب ایک سمجھ لیں کہ اس وقت ہم نئے نئے چلنا شروع ہوئے تھے، نگران شورا نے فرمایا ہم نئے نئے چلنا شروع ہوئے تھے، اور اگر ان دنوں میں جب ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو 16 سال ہو گئے اور اب 3 دن کا اجتماع اگر ایسا ہوتا تو سوچے کہ اب اس کی کوریج کیسی ہوتی۔ اور پھر میں عرض کروں کہ یہ نگران شورا کے ساتھ شروع سے ہی جو ہے وہ اپنا مدنی چینل کے، تو ایک دفعہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب مدنی چینل آن ہو گیا نا، شروع میں سب کو خوشی ہوئی آن ایئر ہو گیا اور جو ہے وہ اپنا۔ اچھا، عام طور پر دعوت اسلامی کے اس سے پہلے اجتماعات ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے، تو ایونٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں جدول جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، پھر رات کو سونے کا وقفہ ہوتا ہے تو سب ہی جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل آن کر دیا، سب خوش ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جو بھی پہلے باپا کا بیان وغیرہ یہ وہ تھا۔ اچھا، اب مدنی چینل تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو آپ بند کریں اور اب کل جو ہے وہ شام کو کھولیں گے، اب یہ تو آن ہو گیا۔ نگران شورا نے مطلب ایک انہوں کا اگرچہ پتا تو تھا چینل، لیکن ایک دم بتی جو ہے وہ اپنا جلی کہ بھائی اب تو جو تو سب چلے گئے، اب تو یہ تو بند ہی جو ہے وہ اپنا نہیں ہوگا، اور اس کو تو جو ہے وہ اپنا جو کچھ اس میں
डालो जो है वो अपना पूरा सिलसिले, हाँ ये इसका तो पेट भरना जो है वो अपना नहीं है। तो निगरान शूरा ने कहा एक वक्त मेरे को लगा कि यार ये क्या शुरू कर दिया, अब तो ये तो चलता ही जो है वो अपना रहेगा 24 घंटे जो है वो अपना, हाँ इसमें। तो निगरान शूरा ने तो वाकई जो है वो अपना कह सकते हैं कि सैयद साहब वो दौर हमने जो है वो देखा है निगरान शूरा का, अल्लाह अकबर। यानी खुश मैं ईद के बाद से ज्वाइन हुआ था 21 दिन 22 दिन के बाद से, लेकिन रमजानुल मुबारक में जो ट्रांसमिशन का मैंने हाल सुना था निगरान शूरा ने, शायद चंद घंटे मतलब 1.5-2 घंटे भी मुश्किल जो है वो अपना सोते थे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल जिस तरह, और फिर मुझे याद है डीवीज वगैरह जो चलती थी ना निगरान शूरा खुद वहाँ उसको एडिट करवाते, एडिट करवाने के बाद पहले हमारा MCR ऊपर हुआ करता था तो वो वहाँ से लेकर आते ऊपर आकर खुद जो है वो अपना उस देते इस्लामी भाइयों को, यानी इतनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपना माशाल्लाह थी और अब भी जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा की है। बहरहाल गुफ्तगू तो जो है चलती रही। मैं ये पूछूंगा सिर्फ इतनी सी बात आपके कि पहले आपके पास चलाने के लिए सोचते थे क्या चलाएं, जी जी, और मतलब यही इतना मवाद कहाँ से लाएं, इतना क्या कुछ चलाएं, और अब आपका क्या हाल है कि रमजान मुबारक के अंदर कितने घंटे आप लाइफ हैं और उसके बाद क्या कुछ रह जाता है जो चलाने का होता है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। सही है, यानी आप ये देख लें कि रमजान मुबारक में अगर हमारी 16-18 घंटे अगर बिलफर्ज हम लाइफ कर भी रहे तो हमारे पास रिपीट में शायद 1 या 2 सिलसिले 3 सिलसिले ऐसे होंगे जो रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं हो रहे। अच्छा ये चले, अच्छा हुआ कि आपने ये गुफ्तगु कर दी। इसी पर मैं एक वजाहत कर दूं कि हमें एक मैसेज जो है वो अपना आया था कि रमजानुल मुबारक की जो ट्रांसमिशन है लोग कह रहे हैं कि ये यूट्यूब पर जो है वो हमें नहीं मिल रही, तो उसकी वजह जो है वो अपना पहले भी मैंने जो है वो अपना बताई है कि हमारा जो एक निज़ाम बना हुआ है वो ये है कि जो प्रोग्राम भी हमारा जैसे लाइव होता है अब उसके बाद उसने रिपीट में मदनी चैनल पे चलना होता है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है कि उसको एडिट दोबारा जो है वो किया जाता है, कोई ऐसी चीज़ उसमें काटने की है, फिर तफ्तीश का मामला होता है, फिर उसके बाद जो है वो एक उसकी पूरी फाइल जो है वो अपना बन जाती है, तो वही फाइल मदनी चैनल पर भी चलाई दी जाती है और फिर ये सोशल मीडिया को भी दे दी जाती है। लेकिन रमजानुल मुबारक की सिर्फ इस दफ़ा की भी नहीं, इससे गुज़िश्ता सालों की भी आप देख लें तो एज सच आपको मदनी चैनल का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर आपको नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इस ये रिपीट नहीं होती। अब जब रिपीट नहीं होती तो गोया बस लाइव होने के बाद ये बस सिर्फ जो है वो अपना हमारे आर्काइव डिपार्टमेंट का हिस्सा जो है वो बन जाती है, तो ये वजह है कि ये आपको जो है वो यूट्यूब वगैरह पे नहीं जो है वो मिल रही। चले जी सिलसिले को आगे लेकर जो है वो अपना चलते हैं। ज़हनी आजमाइश अगरचे जो है वो ख़त्म हो गया है और लेकिन हमारे सिलसिले के साथ उसकी यादें जो है वो अपना वाबस्ता रहती हैं, तो एक सिलसिला था और उसकी ये काफी दिनों से पेंडिंग जो है वो कुछ सेगमेंट जो है वो चल रहे हैं और जोश के साथ मगर होश से, ये गालिबन ये वाला एक सेगमेंट था, EP 21 है और इसी सीजन का, तो उसके फरमाइश हमें की गई थी कि आपने वो दिखाना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया है, आइए देखते हैं। जब औरत की जनाब बैल बजाई है आरिफ वाला वालों ने, जब औरत की सिर्फ इतना सा सुना है, सात सेकंड रह गए हैं, जब औरत की, अल्लाह अल्लाह कि जब औरत वक्त खत्म हो गया है, बेल तो आप भी बजा रहे थे। ये सवाल ये है कि जब औरत की सीधी आंख फड़कती है तो क्या होता है, क्या फड़कता है सीधी कुछ नहीं होता ये। अच्छा सवाल ये था कि औरत की सीधी या उल्टी आंख फड़के तो क्या होता है, तो मर्द या औरत किसी की भी सीधी या उल्टी आंख फड़के कुछ नहीं होता, ये अवाम की बातें हैं कि उल्टी आंख फड़कने में बदशगुनी और बुरी फाल लेते हैं, हालांकि बुरी फाल लेना नाजायज है। तो जनाब वहां तो आंख नहीं फड़की मगर आपके नंबर फड़क गए, 2 नंबर आपके माइनस कर लिए जाएंगे। बारिफ वाला 41 मानसेरा वाले आगे हैं। अब शेर की बारी और मैं अब दूसरी लाइन पढ़ूंगा, याद रहे मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। दिले मुस्तरिब जी, जनाब बेल बजाई है आरिफ वाला वालों ने। रहमान रहीम, दिल बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, दिले सालिक हुए हम उनके वो भी हुए हमारे, दिले मुस्तरीब को लेकिन नहीं एतबार होता, दिले मुस्तरीब को लेकिन नहीं एतबार होता, जनाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब शेर की अब सवाल है,
حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی، اب بیل بجائی ہے جناب، مان سیرا والوں نے صرف بزرگ کا نام سنا ہے، ان کے ابو کا نام بتائیے، یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے، آپ نے تو صرف بزرگ کا نام ہی سنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال یہ ہے کہ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مبارک کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ زمین و آسمان والوں کی جتنی بھی عقل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے سامنے ایسی ہے جیسے تمام ریگستانوں کی ریت کا ایک ذرہ ہوتا، تمام ریگستانوں کے سامنے ایک ریت کا ذرہ۔ کیا بات ہے، میرے آقا کی عقل مبارک کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے ریگستان کی ریت گویا میرے آقا کی عقل مبارک ہے، اور دنیا کا جو ساری عقل ہے وہ اس کے سامنے ایک ذرہ ہے۔ جواب درست دے دیا، کیا بات ہے مانسیرا والوں کی۔ اب شیر کی باری ہے، یہ وہی ہیں جناب، اب بیل بجائی ہے، یہ پہلی لائن کے دو الفاظ ہیں، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین بڑی دلچسپ سچویشن میں مقابلہ داخل ہو گیا ہے، 4 نمبر کا فرق ہے اور 2 ہی سوال میرے پاس باقی ہیں، اگر عارف والا والوں کو مقابلے میں واپس آنا ہے تو یہ دونوں صحیح جواب ان کو دینے پڑیں گے، تب مقابلہ برابر ہوگا۔ ایک غلطی پر بھی یا ایک جواب یہاں سے صحیح آ گیا تو پھر منصیرا والے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب باری ہے سوال کی، جنت میں اللہ بیل بجائی ہے عارف والا والوں نے، سوال صرف جنت میں سنا ہے، اللہ الرحمن الرحیم، جنت میں سب سے پہلے جنتوں کو کیا کھلایا جائے گا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ جنتیوں میں سب سے جنتی کھانوں میں سب سے پہلا گوشت کا نمبر ہے، پھر چاول، اور اس کے بعد جنتیوں، البتہ جنتیوں کو سب سے پہلے مچھلی لیجیے گا، کھانا کھلایا جائے گا۔ اللہ جنت میں جا کر ہم سب کو یہ کھانے نصیب فرمائے۔ اس سوال کا جواب میں اگلے سوال کے بعد دوں گا، اور اب باری ہے شیر کی، اور میں اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا، وہ ان کا اللہ، پھر عارف والا والوں نے بیل بجا دی ہے، وہ ان کا اللہ کی رحمت سے، اللہ، یہ سوال کا جواب ان کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ان کا دوسری لائن کا پہلا لفظ ہے، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، جواب درست دے دیا، اللہ اللہ اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والے سوال میں کیا ہوا تھا؟ اگر تو وہ جواب درست تھا تو پھر تو مقابلہ برابر ہو گیا ہے، اور اگر جواب درست نہیں تھا تو پھر مانسیرا والے مقابلہ جیت گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عارف والا والوں سے غلطی ہو گئی ہے، مانسیرا والے مقابلہ جیت گئے ہیں۔ سوال سن لیجئے، سوال یہ تھا، جنت میں ایک مکان ہے جسے دار الفرا کہا جاتا ہے، بتائیں یہ کس کے لیے ہے؟ جنت میں ایک مکان ہے جس کو دار الفرا کہا جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو بچوں کا دل خوش کرتا ہے۔ سوال پورا نہیں سنا تھا اس لیے غلطی ہو گئی، جناب آج کا مقابلہ مانسیرا والے جیت گئے ہیں۔ بڑی کمال کی ٹیم عارف والا کی، آخری وقت تک کوشش کی، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، چلے صحیح آپ دکھاتے رہے تو نا، مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ ذہنی آزمائش کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا میں نے عرض کی تھی کہ آپ سے اس سلسلے میں وہ اس طرح کے وہ اشعار تو نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ تیاری کر کے لائے ہوں گے؟ نہیں نہیں، وہ تیاری نہیں، وہ تو جو دکھانا ہے وہ دکھانا ہے، لیکن ایک میں نے وہ گزشتہ ہفتے کی اپنے واٹس اپ جو ہے وہ دیکھے، اس میں ایک ایسا تھا جو نہیں پوچھا گیا تھا، تو وہ تھا داغ دل، یہ آپ نے ایسا ایک شعر سنانا ہے جس میں یہ لفظ آتا ہو، داغ داغ اور فرقت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، نا نا فرقت نہیں، داغ دل ہے پیارے بھائی، یہ ایک الگ سے جو ہے وہ تھا، تو یہ آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے، اور جب تک آپ وہ سنائیں گے اس سے پہلے ہم کچھ آپ کو دکھائیں گے، دکھائیں جی جو ہے وہ اسکرین پر سید صاحب سے ہم نے کیا پوچھ رہے ہیں۔ چلے آخر کا لفظ دے دے، را، را دے دی آپ کو، اور میم ہے اس میں، ہیں میم، لگاؤ غلطی، لگاؤ زیرو، لگاؤ زیرو، مستجار تو نہیں ہوئی ہے۔ اچھا یہ آپ بتاؤ، یہ اپنے میم، میم میم کیا بولا، میم نا، کیوں نہیں گئے وہ الف واؤ یا والے پہ جو آپ جاتے تھے؟ بس نہیں جانا، اچھا ہے ویسے، چلو
अच्छा आपने बता दिया कि नहीं जाना अच्छा है, या है इसमें फिर चले गए। लगवाओ लगवाए लगवाए लगवाओ गलती। मैं मतलब इशारे दे रहा हूँ आपको कि नहीं जाना है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि शायद मैं आपको आल्टी वो काफ है इसमें, पतला काफ, डंडी वाला काफ, डंडी काला काफ। लगाओ गलती। अब यानी ये खजूर भी नहीं है ये काफ आ जाए। नहीं देखो अच्छा मैं ये जरा ये सोचने वाली बात है कि मैंने क्यों पूछा कि ये वाला काफ, जो हो सकता है इसमें बड़ा वाला काफ हो तो वो लगा दे करे तो। लगाओ गलती नहीं, लगाओ मोटा नुक्तों वाला काफ। अच्छा अल्लाह काफ आ गया इसमें, काफ आ गया, रा आ गया, और यदि ये तीन गलती हो गई है सैयद साहब की। अच्छा तीन हो गई है, और आपने इशारा भी देना साथ में। अच्छा इशारा तो मैंने ये दिया नहीं, ये कॉफ वाला आपको कॉफ तक पहुंचाया, क्या हो गया। अच्छा ये नहीं पहुंचाया मैंने, नहीं ना। ये रमजानुल मुबारक से इसका ताल्लुक है। रमजान मुबारक से किसका ताल्लुक नहीं है। हाय हाय वो तो आप किस निगाह से आप देख रहे हैं, लेकिन ये इबादत से ताल्लुक है, खाने पीने से ताल्लुक है, यानी यूं समझे कि एक गलती लगवाओ तो फिर मजीद जो है वो मैं आपको इसके क्या मैं क्या करूं। मुबारक से हाँ 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 शीन है इसमें। अल्लाह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे से ताल्लुक है इसका। अच्छा अच्छा बा है इसमें, क्या बात है, दाल भी है फिर माशाल्लाह। शब-ए-क़द्र एक नसीब। आमीन आमीन आमीन। एक गलती पहले ही माशाल्लाह जो है वो बगैर उस तरह के इशारे के आप जो है वो पहुंच गए। चले जी आपको इंशाल्लाह अज़्ज़वजल सैयद साहब जब ये वाला शेर जब सुनाएंगे सुनाएंगे। अब हम आपको एक कलाम सुनाने जा रहे हैं, आसिफ भाई ने पढ़ा था, और ये है अल्लाह की रहमत से फिर आज़ में मदीना है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की रहमत से माशाअल्लाह। चलें जी
चूंकि वक्त कम है, कोशिश है कि जल्दी से आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ आपकी फरमाइशें पूरी कर सकें। आपको एक कलाम जो है वो सुनाने जा रहे हैं, अदनान शेख भाई ने जो है वो पढ़ा था, तनम फरसूदा जहां पारा जहीजरा या रसूल अल्लाह। सैयद साहब इंशाल्लाह दागे दिल वाला सुनाएंगे और उस वक्त क्या कुरानदाजी के दरमियान सुनाएंगे। जी जी ठीक है, उस वक्त चले हम आपको एक कलाम सुना रहे हैं, मेरे नबी प्यारे नबी। ये 27वीं रजब की रात को जो है ना वो आदिल भाई ने ये कलाम पढ़ा था, तो इसको सिलसिले का हिस्सा जो है वो बनाते हैं, और क्योंकि ये फरमाइश कुछ दिनों से है और पेंडिंग है, तो कोशिश है कि आज इसको जो है वो शामिल कर लिया जाए। आइए देखते हैं। Baby, baby.
कोई पहुँचा नहीं मगर मगा न मिलेगा तारीख अगर ठोकेगी सानी मोहम्मद सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा जिस जिस जी सैयद साहब, ये वैसे रिकॉर्डेड मतलब हमारा चल रहा है, नाजरीन की यूं फरमाइश तो नहीं ले सकते, लेकिन यूं मैंने देखा कि माशाल्लाह आपने भी मौके का फायदा उठाई लिया अपनी फरमाइश। फिर हमारे जफर भाई हैं जो पीसीआर में चीजें जो है वो चलाते हैं, तो आवाम की फरमाइश नहीं है, तो जफर भाई ही की फरमाइश पर आपसे कुछ मतलब खवास की फरमाइश जो है वो अपना, तो दो ये अशआर इन्होंने कहे हैं वो आप सुना दें। और मैं अर्ज करूं कि वैसे ये रिकॉर्ड हम कर रहे हैं और इतने अरसे से लाइव जो है वो चल रहा है, यूं समझें कि बड़ी सुस्ती यानी हो रही थी कि वैसे भी रमजान मुबारक में टाइम भी इस सिलसिले का कम है, तो मैं एक जहन में आ रहा था कि यार चलो मतलब रिपीट जो है वो चल जाए, फिर मैंने यही एक जहन में आया कि यार नाजरीन का क्या कसूर है, छुट्टी अगरचे हमारी है 23 मार्च की मदनी चैनल की, तो बहरहाल करवानी चाहिए फ्रेश रिकॉर्डिंग। वो मुझे अभी हम इफ्तार में बैठे हुए थे साथ में ना, तो मैं ये गुनगुना रहा था ना मक्ता अमीर अहले सुन्नत का रमजान की बहारें वाला, तो इन्होंने कहा यार इसके एक दो शेर सुना देना, उन्होंने कहा चलो सुना दे देना। चलो माशाल्लाह। ऐ काश फिरा जाए अत्तार मदीने में, ऐ काश शिया जाए अत्तार मदीने में, बुलवा लो तो ताराब सरकार मदीने में, रोजे
چلیں جی آپ کو اب سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا, قرآن اندازی جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور یہ انہی لوگوں کے درمیان قرآن اندازی ہے جنہوں نے صحیح جوابات ہمیں دیے تھے, اور اسکرین پر اتنی دیر سے آپ ان کے نام بھی جو ہے وہ اپنا جو ٹکر پٹی اس پر چل رہے تھے, تو سید صاحب انشاءاللہ جو ہے وہ پہلی قرآن اندازی بھی کریں گے, دوسری بھی, اور ایک شعر جو آپ کی طرف ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی سنانا ہے. ابھی ماشاء اللہ قرآن دادی چل رہی ہے, یہ قرآن دادی چلے گی تبرکات کی جی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی قرآن دادی ہوگی, اس میں ہم شعر پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم. مدینہ شوکت علی عطاری ملتان سے ہیں, ماشاء اللہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ الکریم آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. جی ایک اور قرآن دادی دیکھتے ہیں جو ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہے, اور جس کا نام نکلے گا اس کو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. جو شعر آپ نے مجھے کہا تھا جی داغ دل, داغ دل ہم نے نوری دکھا دیا, داغ دل ہم نے نوری دکھا دیا, درد دل کا فسانہ سنا کر چلے, دل کا فسانہ سنا کر چلے. مدینہ بنت انور کراچی, بنت انور کراچی اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجیے انشاءاللہ الکریم, آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کیے جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم. اللہ نے چاہا آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے, جب تک کے لیے اجازت, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی ہانا بولا پیار, آپ کا مدنی چینل.